वीडियो। सो आज है तो 11 तारीख है आज कुछ नहीं है, आज फ्राइडे है। एनीवेज अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं 6:30 बजे, वैसे रोज मैं 5-7 बजे उठता हूँ, 7:30 7 आधा घंटा लेटा भाई, लेकिन हमको फायदा है, हमारे पापा नहीं आते ना। एनीवेज अभी मैं उठ चुका हूँ, लेकिन मेरे को नहा धोना है क्योंकि मेरे को नींद आ रहा है। अगर मैंने नहीं नहाया घर तो मैं नहीं सोया, सो गया। सो एनीवेज अभी नहाना धोना है, उसके बाद हो गया काम, तो मैं आपसे यहाँ नहा धो के मिलता हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं अभी पूरा तैयार हो चुका हूँ अपने कोचिंग के ड्रेस में, और मस्त अपना सारा काम हो चुका है, बैग पैक हो चुका है। अभी बस एक काम बाकी है, ब्रेकफास्ट करना, उसको करके सीधे निकलेंगे अब अपने कोचिंग पे, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है। अभी तो 50 मिनट बाकी है, इतना जल्दी आके क्या किया, वैसे 20 मिनट तो जाने में ही लग जाता है, तो मेरे पास अधिकतम 20 मिनट, मेरे को भागना पड़ेगा। मैं भागूंगा इसे, मैं ब्रेकफास्ट ही करूँगा। एनीवेज मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, भूख लगा है। सो हाय फ्रेंड्स, मैं फुल्ली तैयार हो चुका हूँ अपने कोचिंग के ड्रेस में, और अपने बाल सारे सवार लिया, लड़की नहीं हूँ अगर कभी से सवार लिया। एनीवेज बट बस 20 मिनट बाकी है, मेरा कोचिंग है 8:30 बजे, और 8 बजे निकलना पड़ेगा, 30 मिनट का रास्ता, 30 मिनट लग जाते हैं थोड़ा सा, पता नहीं काम होता है ना, तो 30 मिनट लग जाता है। अभी मेरे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में मेरे को करना है ब्रेकफास्ट, भूख भी लगा यार, ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेट का जो जो चूहे हैं ना, वो चूहे ऐसे निकलेंगे ना कि मेरे को डर के मारे रोने लगूंगा मैं। सो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, और सो गाइस देखते हैं मम्मी जी ने क्या बनाया ब्रेकफास्ट में। सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो मैं आ चुका हूँ अपने घर अपने कोचिंग से, पूरा पसीना पसीना होके। सो हमारे अंबिकापुर में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सूरज चाचा के ऊपर है। एनीवेज वैसे आज बहुत मज़ा आ गया है यार। आज पता क्या हुआ, कोचिंग में हम लोग के जो सर हैं, सर मतलब मैम है, मैम का बर्थडे था, तो सब लोग उनको बर्थडे बॉम्ब तो नहीं मारे, बस मतलब बहुत सारा चॉकलेट लूटे सब लोग, हम भी थोड़ा सा लूट लिए। एनीवेज वैसे जब टीचर लोग, हम लोग का जब बर्थडे होता है, टीचर लोग ये मुट्ठा भर के ले लेते हैं, तो हम लोग भी फर्ज बनता है यार, कुछ भी नहीं। एनीवेज और तो और एक चीज और है कि मैं घर से आ चुका हूँ, मतलब घर आ चुका हूँ, और अंबिकापुर में धूप, हाय 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 हाय, पूरा बदन जल जाता है यार, सनस्क्रीन लगा के जाना पड़ता है यार। एनीवेज वैसे तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ सीधे तैयार होने के बाद नहा धो के, वैसे नहा धो के जो गया था, मगर पूरा पसीना पसीना होने के बाद फिर से नहाना पड़ेगा ना, नहीं तो जानते हो क्या होता है, पूरा लगता है, मतलब पूरा पानी का मतलब पूरा पसीना एकदम चिपचिपा टाइप का लगता है, इसीलिए सो मैं नहा गया था। सो हे गाइस, मैं पूरा तैयार हुआ, सब हो चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के साथ कहीं घूमने, घूमने नहीं बेसिकली मम्मी का काम है तो मैं भी जाती हूँ, और मैंने खाना पीना सब खा चुका हूँ और एकदम यहाँ तक फुल हो चुकी हूँ। सो लेट्स गो।
सब्जी बना। और अगर मम्मी संडे, मेरी मम्मी जो कभी कभार संडे को ही निकलती है ज़्यादातर, बट आज सब्जी ख़त्म हो चुका तो मम्मी को जाना पड़ गया, थोड़ा सा उठा तो वो हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। एनी वेज हो रही है, मोटी गाड़ी है ये रहा। अरे यार दिख नहीं रहा, हाँ जी बात ये, अब ये रही मेरी मम्मा जी। सो गोभी खरीदने के बाद चलते हैं एक ऐसी जगह जो कि लेडीज को पसंद है बट मेरे को पसंद है, मज़ेदार होता है वो जगह। सो लेट्स गो। क्या पता मम्मी फिर से कोई और सब्जी लेने के लिए उतर जाए, पता नहीं, लेकिन आज जाएंगे उसी चीज़ को तो खाने जाएंगे। सो लेट्स गो। अभी आ चुका हूँ जहाँ मैं आपको आने के लिए मैं बोल रहा था, मतलब उस समय जो बोला था वो है अपना गोलगप्पा, गोलगप्पे स्टोर। सो अब बता दे खाने का मतलब कैसा है। सो हे गाइस, सो अभी हमारा पोपट हो चुका है, हम गए थे पानी पूरी खाने और हमारे जो पानी पूरी वाला जो दुकान है वो था बंद। सो मूड तो ख़राब हो ही गया था, सो सोचा एक कोन खा लेती हूँ। सो कोन भी टेस्टी लग रहा है, अमेरिकन ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है मेरे को, खाने के बाद मिलता है। सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने घर। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ। अभी रात तो नहीं हुई है, आज मेरे को वॉक में जाने का भी मन नहीं कर रहा यार, एकदम थका थका लग रहा है ना, उतना घूमने का आपको वैसे भी थका थका लगता ही है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कोई काम कर लेते हैं, बेसिकली अभी गर्मी छुट्टी चल रही है तो गर्मी छुट्टी का होमवर्क कर लेती हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे गर्मी छुट्टी के होमवर्क करने के बाद, 2-3 महीना बाद नहीं, मतलब आज का वर्क करने के बाद। ओके एंड 3-2-1। बचा नहीं है, सिर्फ सोना है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।